हेलो मधु, हेलो काजल, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सब लोगों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सत्येंद्र, विशु, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग है भाई। हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रवेश। काजल, आप तो ऑलरेडी अनअकैडमी पे आ गई थी ना? अच्छा, इसलिए अनअकैडमी भी क्लास कीजिए ना फिर। वेरी गुड। हेलो सुषमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शंभू, हाउ आर यू? जो लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गए वो यूट्यूब से ही अनअकैडमी से ही क्लास कीजिए, ठीक है? जो लोग अभी भी यूट्यूब पे हैं वो अनअकैडमी पे आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काजल, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग शंभु, सबको गुड मॉर्निंग भाई। फटाफट आइए, ठंड बहुत ज्यादा है क्या आज? सब लोग आज गोल है क्लास में, कोई आई नहीं अभी तक क्लास। गुड मॉर्निंग दिव्या, हेलो पुष्पक। आज लगता है ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए लोग अभी तक नहीं आए क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुषमा, गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग पुष्पा, हेलो पुष्पा, हेलो रूबी। देखिए जो लोग, हेलो असलम, जो लोग यूट्यूब से अनअकैडमी पे आ चुके हैं वो अनअकैडमी से ही क्लास कीजिए, आप लाइव क्लास कर पाएंगे। और जो लोग अभी भी यूट्यूब पर हैं वो अनअकैडमी पे आ जाइए, यहाँ से लाइव क्लास कीजिए प्ले स्टोर से जाके। जी शुभ प्रभात काजल, आज धूप निकला है, आप कहाँ से हैं जो आपके वहां धूप निकल गया है? हेलो दनी, हेलो पायल, हेलो अनुपम, हेलो ओम, कहाँ है जो आपके वहां धूप निकला है? अच्छा सब लोग, हेलो दामिनी, बक्सर, नहीं नहीं भागलपुर में धूप एकदम भी नहीं है, भागलपुर में जरा भी धूप नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजू, जरा भी धूप नहीं है यहाँ, फॉग है, फॉग ही फॉग है, बहुत ज्यादा फॉग है यहाँ पे। खगड़िया में भी नहीं, वेरी गुड। अच्छा आपके वहां धूप निकल गया? नहीं, हम लोग के वहां धूप नहीं निकला है, यहाँ सुबह से। अब ये हाजीपुर स्टेशन पे हैं, कहाँ जाने की तैयारी है आपकी हाजीपुर स्टेशन पे आप? हेलो कुंदन, तो हो सकता है धूप हल्के हल्के आ रहा होगा, ठीक है, फॉग इधर से जाएगा तो, हेलो प्रतिमा, तो फिर इधर से भी धूप निकल जाएगा पटना आने की। अभी हल्के हल्के निकल जाएगा यहाँ से भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुंदन, फटाफट से सब लोग आइए भाई क्लास में, आइए फटाफट, एक मिनट में क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क कौन है भाई, अपना नाम क्यों नहीं लिखते आप? आई एम फाइन कुंदन, एंड व्हाट अबाउट यू? गुड मॉर्निंग अनुपम, हाउ आर यू? जी शंभु थोड़ा वेट कर लीजिए, हेलो अनिरुद्ध, हेलो रूपम, बहुत लोग आ रहे हैं शंभु इसलिए उनका एक मिनट वेट कर लेते हैं, हाउ आर यू? तो फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए जो लोग ऑलरेडी अनअकैडमी पे आ चुके हैं वो अनअकैडमी पे क्लास कीजिए, यूट्यूब के स्टूडेंट जो नहीं आए हैं वो अनअकैडमी पे आ जाइए, प्ले स्टोर जाइए, एक मिनट बता देते हैं, प्ले स्टोर जाइए और जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग लिखेंगे वहां पर, उसको डाउनलोड करना है, बहुत आसान है। हेलो वीरेंद्र, कुछ नहीं करना आपको, जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तीन लाइंस आएगी, ठीक है, इन तीन लाइंस में जाना है, यहाँ पे गोल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बीपीएससी जरूर से जरूर सिलेक्ट करना है, जब तक बीपीएससी सिलेक्ट नहीं करें क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। फिर इसी तीन लाइन में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा, हेलो श्रेया, फ्री क्लासेस, ठीक है, फ्री क्लासेस में जाएंगे, जैसे ही आप फ्री क्लासेस में जाएंगे आपको यहाँ पे कोड मांगेगा, ठीक है, कोड मांगेगा, आप ये मेरा कोड लगा दीजिए, हेलो सुमित, ये मेरा कोड है, इस कोड के थ्रू आप यहाँ पे आ जाइए। मेरा क्लास प्रत्येक दिन दिन में 10:30 बजे और दिन में 12:15 में लाइव जाता है, जिनको ये क्लास करना है, गुड मॉर्निंग, ये क्लासेस यहाँ पे आ जाइए। जी शंभु, बिहार दरोगा बीपीएससी सबके लिए यहाँ पे काम आएगा, आपको बीपीएससी दरोगा सबके लिए काम आएगा, बहुत आसान है, चले जाइए यहाँ पे, यहाँ पे आके लाइव हो जाइए। और जो लोग यूट्यूब अनअकैडमी पे ऑलरेडी आ चुके हैं
हेलो साक्षी, हेलो अंकित, ऑलरेडी आ चुके हैं आपके एप्लीकेशन में। यहाँ दाहिने साइड में, राइट साइड अलबम में, यहाँ पे गोल टाइप का खुलेगा। हेलो चंचल, यहाँ फोटो आती है, हेलो जागृति, इसको टच कीजिएगा तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। वो बता देते हैं, फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, इसमें जाइएगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल लिखा होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल को वेरीफाई करना है। मोबाइल को वेरीफाई दबाएंगे तो ओटीपी मोबाइल पे आएगा, ईमेल का वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी ईमेल पे जाएगा। दोनों को वेरीफाई कर लेना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो संजीव, हेलो राफेल, हेलो आलोक, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग लवली, गुड मॉर्निंग। तो ये प्रोसेस है, आसान सा प्रोसेस है। हेलो आदर्श, सब लोग जाइए प्ले स्टोर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने तीन लाइन पे टच कीजिए, गोल में विवेस्टी सिलेक्ट कीजिए, फ्री क्लासेस में जाइए, स्पोर्ट को लगाइए। आइए फटाफट यहाँ से लाइव क्लास करते हैं। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। हेलो राजीव, हेलो कृष्णा, आपको बताना है गुजरात के स्थल मिट्टी से बने हल, बनावली बाजरे के दाने, कालीबंगा जुटे हुए खेत के साक्ष्य। हेलो सरोज, हेलो लिपि, हेलो रीना, हव यू, स्तुत घोई, नहरों के अवशेष। ऑप्शन है 4213 या 3124, 2134 या 1234। हेलो रीना, बताइए कैसे। हेलो कुलदीप, जो लोग भी अनअकैडमी पे, हेलो दुर्गा, हव यू, जो लोग भी, इट्स नॉट जूम, ये जूम नहीं है भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार नेट चेक कर लीजिए, प्लीज इसका आंसर कीजिए, प्लीज आंसर बताइए इसका। ऑलरेडी लेट हो चुका है, पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो लोग अनअकैडमी में फर्स्ट टाइम आए हैं या यूट्यूब से अभी आ रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई जरूर कर लीजिए। हेलो रूबी, यहाँ पे आ जाइए, यूट्यूब वाले स्टूडेंट अनअकैडमी पे आइए, यहाँ से लाइव क्लास कीजिए। गुड मॉर्निंग रूबी, हाउ आर यू। तो पहले का जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। हेलो दीपक, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, नोट कर लीजिएगा। टू वन उसके बाद थ्री फोर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो अंकुश, हेलो स्तुति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? जलियांवाला बाग त्रासदी यानी ट्रेजेडी के बाद बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन थे, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या होता है, आपको पता है कि 1905 में, हेलो फरहीन, हेलो अकरम, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद लोग बहुत ही नाराज थे इस चीज को लेकर, लोग खुश नहीं थे बंगाल विभाजन को लेकर। और इसके आफ्टर दैट बंगाल विभाजन क्या हुआ था, लोग वहां जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन का आप बात करें, हेलो रूबी, अगर आप बात करेंगे आज के जमाने में, तो आपने सुना होगा मेक इन इंडिया का नाम, बीपीएससी का है क्वेश्चन। हेलो सचिन, बीपीएससी दरोगा, हेलो यूनिवर्स बॉस, बीपीएससी और दरोगा में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है तामिनी, यही मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। हेलो रोजी, तो स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था, आज के टाइम में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मेक इन इंडिया। तो वैसे ही कुछ हुआ था कि अपने देश की चीजों को यूज करना है। अच्छा, इस बार पूछा था, गुड मॉर्निंग, और विदेश की चीजों को बहिष्कार करना है, वही सेम चीजें थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर लिबरल प्रगठन या लेबर पार्टी, कौन सी पार्टी थी बताइए। कोई बता सकते हैं, जिस टाइम भारत की आजादी हुई उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, किसी को उसका सही जवाब पता है? सबसे पहले तो लिख लीजिए, हेलो हर्ष, कि जिस टाइम भारत की आजादी हुई थी उस टाइम जो वहां की प्रधानमंत्री थे उनका नाम था एटली, क्या नाम था, क्लेमेंट एटली, लिख लीजिए, उनका नाम था लॉर्ड एटली, लॉर्ड एटली, ठीक है, इटली मत लिख लीजिएगा, लॉर्ड एटली नाम था उनका, ठीक है। और वो लेबर पार्टी से थे, किस पार्टी से थे, लेबर, हेलो निधि, हाउ आर यू, लेबर पार्टी से, नोट कर लीजिए, कोई इडली डोसा मत कर लीजिएगा, लॉर्ड इटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? आपने सुना होगा लाल कुर्ता का जो एक आंदोलन था वो किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब क्या बताइए? वेरी गुड वेरी गुड। इसका सही जवाब हो जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को रेड शर्ट आंदोलन या रेड शर्ट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कोई बता सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? एनीबॉडी, किसी को आंसर पता है इसका? हेलो छोटी, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नेम से जानते हैं? कोई इसका आंसर पता है किसी को? इसको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, लिख लीजिए, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। वेरी गुड, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं। वेरी गुड, नाइस आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भगत सिंह, तात्या टोपे, बीजी तिलक या जी के गोखले? सही जवाब क्या बताइए? हेलो आलोक, हाउ आर यू? आप लोगों ने सुना होगा 1857 की क्रांति हुई थी, बहुत सारे लोग बिहार से लीड कर रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत जगह से लीड कर रहे थे, उनका नाम दिया हुआ है तो उन्हें बताना कि उनका नाम किनका नाम जो 1857 की क्रांति से था, तो इनका नाम था किनका? तात्या टोपे का। ठीक है, तात्या टोपे। अलग क्वेश्चन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन, नाम सुना होगा आप लोगों ने राउंड टेबल का। हेलो रानी, कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सर विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हैरल्ड विल्सन या जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। बताइए सही जवाब क्या होगा? जो लोग भी YouTube से अनअकैडमी पे आए हैं या फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे क्लास कर रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नहीं आए हैं YouTube से पे, अभी भी YouTube से अनअकैडमी पे आइए, यहां से लाइव क्लास कीजिए, प्ले स्टोर जाइए, डाउनलोड कीजिए, फ्री क्लासेस हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। गुड मॉर्निंग, कोई बता सकते हैं कि राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ तो कितना हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, कोई बता सकते हैं? डेट के साथ बताइए, डेट के साथ बताइए, अच्छा लगेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32। ठीक है, 1930, 31 और 32। ठीक है, तो कोई बता सकते हैं कि दूसरे और तीसरे, सुनिए क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे और तीसरे में बताइए, आपने पहले का तो बता दिया, दूसरे और तीसरे का बताइए कौन थे प्रधानमंत्री? दूसरे और तीसरे में कौन थे? याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही थे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा मैंने। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इंग्लैंड में हुआ था और तीनों में गोलमेज सम्मेलन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए सब लोग फटाफट से कमेंट में, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए क्या गया था, क्यों हुआ था, व्हाई, रीजन क्या था इसका? गोलमेज सम्मेलन किस लिए हुआ था, क्यों किया गया था? किसी को आंसर पता है इसका? आंसर पता हुआ करेगा तो आंसर बताए कीजिए, नहीं तो एन लिखा कीजिए सीधा, दैट आई डोंट नो अबाउट दैट। जिसको नहीं पता एन लिखा कीजिए, लिख नहीं सकते क्यों, ऐसी क्या बात है जो आप लिख नहीं सकते? पुष्पक, ऐसा क्या है इसमें? हेलो रितिका, गोलमेज सम्मेलन, सुनिए सुन लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग सबको बता देते हैं, आपको बताए, लिख लीजिए, 1927 में साइमन कमीशन बना था। ठीक है, सुनिए पहले सब लोग ध्यान से, जिनको नहीं पता सुन लीजिए, साइमन कमीशन बना था 1927 में। ठीक है, 1928 में ये भारत आ गया और इसमें भारत की आजादी की बात की गई थी। इस कमीशन को सुनिए पहले, सुन लीजिए, इसी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसको सुभाष जवाहरलाल नेहरू के पिता ने, मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट करके कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए थे, जिसको नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से भी जानते हैं। इसमें भारत में कुछ डोमिनियन की बात की गई थी, जिसको सुभाष चंद्र बोस और उनके पुत्र ने, जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू ने पूरी तरह से विरोध कर दिया था। ठीक है, उसी साइमन कमीशन पे विचार करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। समझ गए इतनी बातों को? इसी के लिए साइमन कमीशन पे ही बात करने के लिए आयोजन किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में,
इसलिए आपको बता दिए। नेहरू रिपोर्ट पूछा जाता है और उसका विरोध किसने किया था नेहरू रिपोर्ट का, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों किया था? क्योंकि उसमें डोमिनियन की बात की जा रही थी और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि पूर्ण स्वराज हो, पूरा फ्रीडम हो, यहाँ पे किसी का हस्तक्षेप नहीं हो, इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो इतनी से बात लिखने में क्या दिक्कत थी, आप साइमन कमीशन लिख सकते थे, इतना बड़ा लाइन आप लिख रहे हैं साइमन कमीशन लिख देते सीधा सी वजह, देखिए नो नहीं पता है। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1783 में, 1883 में, 1784 में, 1853 में, कब हुआ था बताइए। हेलो गोलू, हाउ आर यू, कोई बता सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट किसका इफेक्ट था, ये किसके इफेक्ट में आया था, किसी को पता है किसके लिए आया था, ये किसका सुधार किया गया था, कोई बता सकते हैं इसका आंसर? एनीबॉडी, किसी को पता है इसका आंसर? सर हिस्ट्री बहुत वीक है, स्ट्रांग करने के लिए कौन सा बुक पढ़ें? काजल, स्ट्रांग करने के लिए आपको हम बहुत सारी बुक का नाम बता देंगे, आपको पीडीएफ भी दे देंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा क्लास में बैठ के, या प्लस क्लास में बैठ के पढ़िए या फिर किसी ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़िए, पूरा चीज टॉपिक वाइज पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तभी समझ में आएगा। आपके पास बहुत बुक है मार्केट में, आप नहीं समझ पाइएगा जब तक उसको कोई टीचर समझाएगा नहीं आपको। तो ये जान लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो आया था 1784 में। ठीक है, 1773 ईस्वी में जो भी कमियां रह गई थी उसके लिए आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 की कमियों को पूरा करने, संशोधन करने के लिए आया था। लिख लीजिए सब लोग, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 1949 से संविधान के निम्न में से कौन प्रावधान लागू हो गए थे? नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान, हेलो आरती, मूल अधिकार। ऑप्शन है केवल एक और दो, एक, तीन और चार, एक, दो और तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? ये गलत मिस्टेक है, ये नवंबर हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना से आप लोग तो इतना समझ ही चुके हैं ना, ये वो मिस्टेक से टाइप हो गया होगा, नवंबर है वो। ठीक है, 26 नवंबर। 41% का मात्र आप लोग जवाब कर पा रहे, मात्र 44% का जवाब है। ठीक है, तो पोल तो गया था भाई, पोल तो गया था, पोल तो दिया मैंने। क्या सर क्या बोले? नहीं नहीं आपको देखिए, दिसंबर की तो बात ही नहीं आती ना संजीव, दिसंबर तो अपना थोड़ा सा अप्लाई कीजिए ना, दिसंबर तो कहीं है ही नहीं, नवंबर वो हेलो दुर्गा वो बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले बता दें इसका आंसर, एक, दो और तीन। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 से हमारा संविधान अंगीकृत कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, और इस दिन को कौन सा दिवस बनाया जाता है 26 नवंबर को, क्या बता सकते हैं 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए, इस दिन को बोलते हैं संविधान दिवस या कानून दिवस। ठीक है, इसी दिन को बोलते हैं संविधान दिवस या कानून दिवस बोला जाता है, नोट कर लिए, और इसी दिन से हमारा संविधान अंगीकृत या लागू कर दिया गया था। तो बता सकते हैं कितना कितने आर्टिकल्स को या कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से। ठीक है, तो कितने संविधान, कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? वेरी गुड, वेरी गुड, 15 आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे, 395 तो गायत्री फुल संविधान में था, जो 26 जनवरी 1950 को था मूल संविधान उसमें टोटल थे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था, 15 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, नहीं 395 नहीं होता है, 395 नहीं होगा, 15 सिर्फ लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों या सब्जेक्ट पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? 18, 29, 26 या 27 अंगीकृत अधिनियमित और अंगीकृत क्या गया था? अंगीकृत का मतलब है कि कुछ संविधान को संविधान बन के चालू हो गया था, मतलब तैयार हो गया था, लेकिन उसमें से कुछ संविधान में 26 नवंबर को ही चालू कर दिया गया था, 15 को आर्टिकल्स कर दिया गया था। ठीक है, अंगीकृत मतलब होता पार्शियली, पार्टली। ठीक है, अंगीकृत किया गया था, कुछ भागों को स्टार्ट किया गया था, ऑब्वियस ही बात है वो अधिनियमित ही होगा, अंगीकृत ही अधिनियमित होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा,
कितने सब्जेक्ट्स दिए गए थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड जीतू, देव झा, लवली, जो लोग यूट्यूब पे अभी भी हैं वो अनअकैडमी पे आइए, यहाँ से लाइव क्लास कीजिए। तो आपको पता है कि जब भारतीय संविधान के, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जस्सी, आर के सिन्हा, गुड मॉर्निंग, आपको पता है, हेलो कोमल, कि हमारे मूल संविधान के आर्टिकल 40 में, किसमें, आर्टिकल 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया था, लेकिन ये उस टाइम इसका एक प्रोविजन था, ये कानून नहीं था, ये कोई कानून नहीं था कि हर एक स्टेट को लागू करना है। 73वां संविधान संशोधन हुआ जब, कब, 1992 में, जो 1993 से लागू कर दिया गया 24 अप्रैल से, ठीक है। तो उसके बाद से क्या किया गया है कि इसको कानून बना दिया गया है। अब हर स्टेट को अपने राज्य में विधानसभा के द्वारा पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार की स्थापना करना जरूरी हो गया है, कब, 1992 के बाद। लेकिन जब आपको बताइए इसका जवाब क्या होगा कि जब 1992 में संशोधन किया गया तो इसमें 29 कार्यकारी सब्जेक्ट्स को भी जोड़ा गया, तो ऑब्वियसली बात की वो 40 में लिखाएगा नहीं, तो उसके नया आर्टिकल बनाना पड़ा। तो किस आर्टिकल में लिखा गया, किस अनुच्छेद में लिखा गया संशोधन करने के बाद, बताइए, नहीं पता है, किसी को पता है? 243। भाई मैंने क्वेश्चन जो बोला आप सुना कीजिए पहले, ये मूल संविधान है, जब संविधान बना था तब 40 में लिखा गया था, 1992 में संशोधन कर दिया गया, उसमें रेक्टिफाई कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया, 29 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया। ये कौन से इसमें है, आर्टिकल में है, 29 सब्जेक्ट्स, 243H में है, ठीक है, 243H में इसको चालू किया गया था, नोट कर लीजिए। हेलो राहुल, 243H में, और नया जो संशोधन करके 243 में लिखा गया किसको, पंचायती राज को, ठीक है। अब पढ़ाएंगे पॉलिटी में, डोंट वरी, हम पढ़ा भी चुके हैं एक बार, और पढ़ाएंगे अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस में पढ़ेगा सबको पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा यानी सूल कहा जाता है? इतना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सबको 100% आंसर करना है। मौलिक अधिकार का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, संविधान की प्रस्तावना, संविधान उपचारों का अधिकार। हेलो लाल, हाउ आर यू, फटाफट सब लोग आंसर कीजिए, इतना आसान है। आंसर कीजिए, बोल नहीं गया, वेट 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 वेट, जो लोग अनअकैडमी पे आए हैं फर्स्ट टाइम या यूट्यूब से यहाँ पे आए हैं, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए। जिनको ये प्लस में पढ़ना है, मेरे बैच चल रहे हैं ऑलरेडी पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, वो प्लस में सब्सक्रिप्शन ले लें, इस कोड का इस्तेमाल करें, और अगले महीने 1 फरवरी से मेरा क्लास आएगा, जो इसका हिस्ट्री का और उसके साथ साथ पॉलिटी का न्यू बैच चल रहा है। जिनको 67वीं बीपीएससी करना है या उसके साथ साथ किन्हीं को ये करना, क्या बोलते हैं, दुर्गा की तैयारी करनी है, तो प्लस में पढ़िए। इसका सही जवाब क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट पहले सुन लीजिए, पहले सब लोग सुन लीजिए, परेशान नहीं होने का है, पहले सुन लीजिए सब लोग, पहले आराम से, सब लोग रॉन्ग बोलने लगते हैं, पहले आपको आंसर पता ही नहीं है। हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना को बहुत कुछ बोला जाता है, हृदय बोलते हैं, सूल बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब आपके यहाँ पे लिखा हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब बोलते हैं ना कि बाप खड़ा है सामने में तो बेटा का अधिकार नहीं चलता है, तो यहाँ पे जब बाप खड़ा है तो बेटा नहीं चलेगा, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा हुआ है, आत्मा यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। तो आर्टिकल 32 के थ्रू उसको दिया जाता है अधिकार, किसको, भारतीय संविधान को अधिकार दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार देता है, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है आपके अधिकारों को, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, जी हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान से इस चीज को हटा दिया जाए तो संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो संविधान का मूल होता है, सार होता है, हेलो गुड मॉर्निंग, मूल होता है, सार होता है, हृदय होता है, बहुत सारी चीजें उसको नाम दी गई है, लेकिन अगर बात करेंगे आप एग्जैक्टली कि इसकी किसको बोला जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोला जाता है, आर्टिकल 32 में है। गॉट इट, समझ गए सब लोग, समझ गए, इसके द्वारा आपके मूल अधिकारों का आपको रक्षा दिलाती है, कौन, सुप्रीम कोर्ट दिलाती है। नहीं समझ में आया, आपका जो मूल अधिकार है, हेलो शराफत, आपका जो मूल अधिकार है, हेलो संजीत, आपके हम लोग प्रस्तावना जो है वो प्रीएम्बल है,
ठीक है। संविधान का जिस्ट है वो एक सार है, वो ये सार बोलते हैं इसको, इसको बहुत सारी चीजें बोलते हैं, सार है, हृदय है, सूल है, उसका हर एक चीज है, वो सार में जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे कि एकदम आत्मा कौन है, इसके बिना सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। चलिए आपको लीडर बोर्ड दिखाते हैं। पायल फर्स्ट पे, वाह क्या बात है, 10/10। रूपम 10/10, वाह क्या बात है। थर्ड पे संजीव है, फोर पे वीरेंद्र है, फाइव पे क्वेश्चन मार्क है। भाई क्वेश्चन मार्क जो भी है प्लीज अपना नाम लिखिए वहां पर, आपको नाम से बुलाएंगे, आपके इतने अच्छे नाम होंगे। अनिरुद्ध 6 पर है, 7 पे अंकित है, 8 पे अंकुश है, 9 पे यूनिवर्स है और 10 पे मधु है, ठीक है। गुड मॉर्निंग नितेश, गुड मॉर्निंग रंजीत। तो रंजीत अपने मोबाइल में जाइए, वहां पे ऐसा खोलिएगा इस तरह करके, यहाँ पे ऑप्शन आएगा गोल्ड का फोटो बना हुआ, इसको टच कीजिएगा तो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नाम चेंज कर लीजिए। गुड मॉर्निंग संजीत, नाम चेंज कर लीजिए ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासन काल में निकाल दिया गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट उसी क्वेश्चन का भाई है, पिछले वाले क्वेश्चन का भाई है, ठीक है। इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव सिंह, राजीव गांधी या फिर मुरारजी देसाई, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए आपको अगर हम बोलिएगा तो, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन क्लास रखा है, पहले क्लास में क्या थे, एक क्लास में 100 क्वेश्चन करा रहे थे, तो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि नहीं हो पा रहा है पूरा, एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझ में नहीं आता है, तो 20 क्वेश्चन कीजिए, 50 क्वेश्चन कीजिए, एक्सप्लेनेशन होगा तो वो आपको आगे बहुत काम आएगा। मुरारजी देसाई के टाइम में क्या गया था, किसके टाइम में क्या गया था, मुरारजी देसाई के टाइम में, 1977 के टाइम में उनकी सरकार थी, तो 1978 में आपको पता है कि नया संविधान संशोधन हुआ था, किसी को पता है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, हुआ था, और इसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को है उसको उठा के कहां कर दिया गया था, आर्टिकल 300A में, ठीक है, 300A के नहीं होता, ए होता है, और इसको संवैधानिक के साथ साथ इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है, क्योंकि जो संविधान में लिखा हुआ है वो संवैधानिक तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ इसको कानूनी अधिकार भी कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि बता सकते हैं कि 300A से पहले ये किस आर्टिकल में बैठा करता था, कहां से इसको उठा के यहां लाया गया, ये पहले कहां था संविधान का अधिकार, वो हो गया, वेरी गुड सत्या, 33 पे, कोई बताइए किस संविधान, किस आर्टिकल में था ये पहले, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो ये किस आर्टिकल में था, एनीबॉडी को जानते हैं, इतने सारे लोग प्लस का क्लास किए मेरा, उनको आंसर नहीं पता इनका, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रंजीत, इतने सारे लोग मेरा प्लस का क्लास किया, आपको आंसर नहीं पता है इसका, 19 पे कैसे जाएगा भाई, इसने 31 में है, 31 में, ये 31 में था, 31 में था, इसको हटा के कर दिया गया है 300A में। आपको पता है जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में मूल अधिकार 7 थे, कितने थे, 7 थे, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया, अब हमारे मूल संविधान में 6 हैं, कितने हैं, 6 अधिकार हैं। और कोई उस दिन बोल लेते कि राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी 19 में ही लिखा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी जब पढ़ेंगे वो जो जोड़ा गया है वो आर्टिकल में अमेंड कर दिया गया है, वो 19वें आर्टिकल में ही लिखा गया है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आपको बताना है मूल सूची में, बताइए, आसान सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हेलो तेज, हेलो जीतू, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये मूल अधिकार पूछा है, ठीक है, हेलो प्रिया, हाउ आर यू, आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के, अभी कल ही परसों मैंने पढ़ाया है पॉलिटी में, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और ये किसमें लिखा गया था पहले, आर्टिकल 22 में, 93 में, फिर इसको मूल डाल दिया गया कहां पर, 51A में, ठीक है, वहां भी डाला गया, आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट किया गया है, जो कि DPSP है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 22 में भी अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 51A में भी अमेंडमेंट किया गया, कब जोड़ा गया लिख लीजिए, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। हेलो संजीव, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा, भारत के महान्यायवादी,
लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उपरोक्त में से कोई नहीं। पता है सही जवाब क्या होगा? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप मेंस के एग्जाम को निकाल पाइएगा। ऐसे फ्री क्लासेस में क्वेश्चन आंसर करने से आपको लग रहा है कि मैं एग्जाम निकल जाएगा, तो मेंस में रुक जाइएगा, मेंस में अटकिएगा। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप एग्जाम में पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लस में क्लास कीजिए, ठीक है, प्लस में क्लास कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो उस पद पे कौन आसीन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब आप लोग समझ रहे क्या होता है? वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब कोई समझा इसका मतलब क्या है? कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश क्या, किसको बोलेगा, किसको बोलेंगे? आंसर बता सकते हैं कोई? नहीं नहीं ओह चीफ जस्टिस तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुख्य न्यायाधीश तो ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई। राजीव आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, चीफ जस्टिस तो ऑलरेडी अनअवेलेबल है। फ्री बहुत ज्यादा है सर, गरीब लोग कहाँ से देंगे? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आप फिर गरीब लोग फिर क्यों सपना देख रहे हैं कि हम डीएसपी बने, डीएम बने, एक उसका 10 गुना सैलरी एक ही महीने में कमा लेंगे? तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना सैक्रीफाइस। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जो उसके बाद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनको बोलते हैं वरिष्ठ, ठीक है, ठीक है, उनके बोलते हैं नेक्स्ट जो कमिंग, जो अपकमिंग जो बनने वाले हैं, अभी जो जिसका एज सबसे ज्यादा है, जो अपकमिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं उनको ही बोलते हैं वरिष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय, हाँ जी, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय, ये सपना गरीब लोग ही देखते हैं। तो ऐसा कोई फीस नहीं है रूबी, एक साल का फीस 7,500 से 8,000 रुपया है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक साल में। बीपीएससी, दरोगा सबके लिए सेम फीस है। 2 साल का फीस आपको 10,000 के लगभग आता है, ठीक है, उसमें घर में रहना, कहीं जाना नहीं है, इतने सारे कोर्सेज मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ सर नहीं नहीं सबका अधिकार है, तो सब कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ना काजल, गिव एंड टेक होता है ना, गिव एंड टेक। हेलो लक्ष्य, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर बताइए, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी एनसीएसओ, योजना आयोग, या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्था। मतलब सही जवाब क्या होगा? हाँ जी जीतू, 20% की छूट दे रहा हूं ना, 20% की छूट देता है आपको अनअकैडमी, 20% का डिस्काउंट मिलता है आपको फीस पर। अभी अब कहां आपको, किसने बोल दिया कि छूट नहीं, एकदम छूट है आपके लिए ही, पूरा छूट है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना। नहीं भाई राजीव, 20% हो जाता है डिस्काउंट, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, एकदम 20% हो जा रहा है, 20% का डिस्काउंट मिलता है, पॉइंट भी तो है आपके पास, हम बता देंगे ना कैसे आपको 20% मिले, डोंट वरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, हेलो सहनाज, एक और दो दोनों। संघीय राज्य की शुरुआत, जो फेडरल सिस्टम की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हुई थी, सही है। कुछ संघीय देशों में दो ही नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में दो ही नागरिकता है, स्टेट का अलग, केंद्र का अलग। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षिमी सभाएं कब स्थापित हुई थी? 1864 में, 1875 में, 1857 में, या 1853 में, 93 में? बताइए कब हुई थी, क्या कैसे? नीतीश, क्या नीतीश, सबसे पहले तो आप अनकेडमी पे आ जाइए, यहाँ से लाइव क्लास कीजिए, इस कोड को लगाइए और फ्री क्लासेस कीजिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। जो प्लस लेंगे वो भी एक कोड यूज करेंगे, उनको 10% का डिस्काउंट उनको भी मिलेगा। अगर अभी भी आप लोग वेट कर रहे हैं तो फिर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। 1893 में क्या गया था, कब क्या गया था 1893 में? अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु वर्ष 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? डेलीगेट फी होता है, हेलो सुब्रा,
डेलीगेट फी होता था उसको कितना किया गया था, घटाई कितना कर दिया गया था, 20 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 5 रुपए, 50 रुपए से 40 रुपए या 5 रुपए से 1 रुपया, बताइए सही जवाब क्या होगा। कोई बता सकते हैं इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कोई बता सकते हैं इसका आंसर। ये बांकीपुर बिहार में हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था, 27वां अधिवेशन था बिहार में, 27वां अधिवेशन था इसकी। क्या क्या लिख रहे हैं आप, सत्य लिख क्या रहे हैं, माधुलकर थे, माधुलकर क्या थे, माधुलकर थे, लिख लीजिए हाँ, आर्यन माधुलकर जो भी है माधुलकर थे, ठीक है। और इसकी 5 रुपए से 1 रुपया कर दिया गया था, 5 रुपए से 1 रुपया कर दिया गया था डेलीगेट फी। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन अपर हाउस में बिहार को कितनी सीटें मिली थी, 20, हेलो ऋतु, हेलो स्मिता, 20, 16, 8 या 5, कितनी सीटें मिली थी बताइए, थोड़ा पास कर लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन करा देंगे आपको, फिर 12-15 में फिर नेक्स्ट क्लास आएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं ब्रेक कर लीजिए, खा पी लीजिएगा, 12-15 से फिर क्लास आएगा, सब लोग क्लास में फिर बैक आ जाइएगा, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट अकेडमी पे आ जाइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना गया है, 1921, 1947, 1951 में से कोई नहीं बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। जो लोग सही जवाब कर रहे हैं उसका आंसर बताइए, क्यों क्या गया था, कोई बता सकते हैं इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा 1921, ठीक है। इस टाइम पॉपुलेशन कम हुई थी, नेगेटिव गया था, सबसे ज्यादा बढ़ा था, वाह वेरी गुड, लिख लीजिए 1911 से 1921 का जो वक्फा था, वक्त था, इसमें सबसे अंतिम बार लास्ट टाइम में निगेटिव गया था, क्या गया था, निगेटिव गया था, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि निगेटिव गई थी अंतिम बार, इसलिए इसको विभाजक माना जाता है जनसंख्या वृद्धि का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, भूल जाते हैं, अभी तो एग्जाम थोड़ी हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र, ग्रेट सेंटर ऑफ लोमिंग था कहाँ, बौद्ध धर्म का, किसका था, बौद्ध धर्म का, लोमिंग नहीं होता, एक मिनट होल्ड कीजिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, लोमिंग कोई वर्ड नहीं होता है, इसको बोला जाता है लर्निंग, LERNING लर्निंग होता है, लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, या इसमें से कोई नहीं, सही जवाब क्या बताइए। जो लोग क्लास मेरा क्या कीजिए, तो आप कोशिश क्या कीजिए कि आप कॉपी लेके जरूर बैठा कीजिए, आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं उसको नोट कर लिया कीजिए। कोई बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी, किसी को आंसर पता है इसका, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 95% लोगों ने सही जवाब दिया है, किसने की थी इसका स्थापना, कब की थी, पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए, वेरी गुड, कुमार गुप्त ने की थी, कुमार गुप्त ने की थी, लिख लीजिए, कुमार गुप्त ने की थी, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के बीच में इनकी स्थापना की गई थी, 415 से 455 के बीच का कुमार गुप्त का शासनकाल था, इन्होंने ही स्थापना की थी, और ये ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का था। चलिए आपको लीडर बोर्ड दिखाते हैं एक बार, वेरी गुड रवि किशोर, पायल जो है 1920 है, 19/20 है, मतलब पायल फर्स्ट पे है, सेकंड पे रंजीत है, थर्ड पे अंकित, रंजीत कल अपना नाम आप चेंज कर लीजिएगा, अभी 12-15 से क्लास होगा उससे पहले नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अंकित थर्ड पे है, 4 पे स्तुति है, 5 पे मधु है, 6 पे वीरेंद्र है, 7 पे अंकुश है, 8 पे संजीव है, 9 पे यूनिवर्स बॉस है, और 10 पे फरहीन फातिमा है। चलिए यूनिवर्स बॉस भी है हम लोग के पास, अच्छा देख लीजिए, जिनको जिनको प्लस ज्वाइन करना है, अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एक मिनट देख लीजिए, इसमें फायदे क्या क्या हैं आपको, आप यहाँ पे फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस कर सकते हैं, बहुत सारे बैच मिलेंगे, आप किसी भी बैच में पढ़ लेंगे, डॉट ट्रेनिंग क्लासेस मिलेगा आपको, पोल कमेंट क्विज कैसे होता है आपको पता चलेगा,
एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। हेलो पूजा, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो बीपीएससी में बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे आप सबकी तैयारी कर सकते हैं उस एक साल तक या दो साल तक जितना आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। बिहार पीटी, बिहार मेंस, सॉरी बीपीएससी पीटी, बीपीएससी मेंस, बीपीएससी ऑप्शनल, दरोगा पीटी, दरोगा मेंस, ईएसआई, जितना भी एग्जाम निकलेगा, ठीक है, इतने सारे एग्जाम के बारे में, हेलो प्रीति, इतने सारे एग्जाम के बारे में आप पढ़ सकते हैं उसी फी में, एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा। इससे फायदा क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो, उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और उसको नोट्स रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ठीक है, ये सारे फायदे हैं। अभी जो आप क्लास कर रहे हैं फ्री क्लासेस हैं, हेलो प्रकाश, इसमें हर चीज आपको लिमिटेड मिलेगा, ठीक है, ओकेजनली मिलेगा। यहाँ पे प्लस में हर चीज आपको कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, अनलिमिटेड पीडीएफ मिलता है और आपके डॉट क्लियरिंग क्लासेस मिलता है, ठीक है। हेलो अरुण, आपको करना क्या है, प्ले स्टोर जाना है, प्ले स्टोर जाइएगा, सबसे पहले प्ले स्टोर जाके अनअकैडमी का लर्निंग है, वहां पर लिखना है लर्निंग, अनअकैडमी लर्निंग लिखिएगा पूरा, इसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करना है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, लेफ्ट साइड में तीन लाइन आता है ऊपर में, यहाँ पे जाइए, गोल का ऑप्शन आएगा, गोल में जाके बीपीएससी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर से तीन लाइन को टच कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुलेगा, प्लस का और फ्री क्लासेस का। जिनको फ्री क्लासेस में जाना है वो फ्री क्लासेस मेरे कोड के थ्रू आएंगे, जिनको प्लस में जाना है वो गेट सब्सक्रिप्शन में जाएंगे। हेलो क्रिश, आधे घंटे के बाद आपको इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर से ही, बताएंगे कैसे मिलेगा। अभी ये चार्जेस हैं, एक महीना का 1600 रुपया, तीन महीना का 4000, छह महीना का 2700 और 12 महीने का 8800, हेलो बुलबुल, और 24 महीने का 12800, ठीक है। सपोज अगर आपने एक साल का कोर्स लिया है जिसका चार्ज है 8800 और आपने इस कोड को लगाया तो आपको डिस्काउंट होकर 7920 रुपया हो जाता है। इसके साथ अनअकैडमी आपको हैट देती है और क्वाइन देती है, ठीक है, आप देखेंगे अपने आपके प्रोफाइल पे होगा। हैट उस टीचर को डेडिकेट करते हैं जिसको आपने फॉलो किया है और इस क्वाइन के थ्रू भी आप यहाँ पर और इसमें 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, मतलब 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। मेरे भैया का 28 जनवरी को, क्या सहनाज, क्या नहीं समझ में बात, तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जिनको भी लेना है अभी भी टाइम है, फटाफट से लीजिए, न्यू कोर्सेज आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप जिस क्लास को कर रहे हैं 30 मिनट के बाद उसी क्लासेस में आपको जाना है, जो क्लास आप कर रहे हैं खोल के चले जाइए उस क्लास में। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, व्यू का और शेयर का, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए टू क्रैक बीपीएससी एंड ऑल द रिलेवेंट बिहार एग्जामिनेशन, ठीक है, और लेट्स क्रैक इट, ठीक है। जब आपको यहाँ पे मिल जाता है काजल आपके एप्लीकेशन में, तो फिर वहां पे आपको क्या जरूरत पड़ती है वहां पे लेने की, काजल टेलीग्राम को जरूरत ही नहीं पड़ता आपको, तो यहां से आसानी से मिल जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा था आपको ये बताना है, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, रामविलास पासवान या कर्पूरी ठाकुर, कौन नहीं रहा था ये बताना है। इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अगर जिन्होंने बीपीएससी दिया है तो उनको पता होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा रामविलास पासवान। क्या बीपीएससी का इंटरव्यू ही, आप सभी दुआ करें कि सिलेक्शन हो जाए। अच्छा अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक है ना, हाँ कृष्ण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। ये क्वेश्चन बहुत बार कराए भी हैं आप लोगों को, स्वराज, शकुंतला, आनंद मठ, गीता रहस्य, बताइए सही जवाब क्या होगा। हेलो कौन है, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन, क्या, हाँ सर बिहार में सबसे ज्यादा दिन तक सीएम पद पर कौन रहा है। हेलो शमशाद, आपको पता है कि, हेलो विवेक, सातवीं बार बने हैं नीतीश कुमार, सेवेंथ टाइम हो गया इनका, तो आप जोड़ लीजिए सबसे ज्यादा कौन रहा होगा। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आप इस लेवल पे आके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप दरोगा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, आपको तो ऑलरेडी पता होना चाहिए बात। चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में
सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? हेलो श्वेता, हाउ आर यू? जनरल करियप्पा, कैप्टन मोहन सिंह, जनरल मानिकशॉ या जनरल GS अरोड़ा? बताइए सही जवाब क्या है इसका। जो लोग भी यूट्यूब से अनअकैडमी आए हैं या फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे क्लास कर रहे हैं, पहली बात तो नोट कर लीजिए कि मेरा क्लास दो क्लास होता है दिन में, प्रत्येक दिन, दिन में 10:30, दिन में 12:15 में। ये दोनों क्लासेस अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे दोनों फ्री होता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई जरूर कीजिएगा ताकि आपके कमेंट हो सके, आप लीडर बोर्ड में शो कर पाए। इसका सही जवाब होगा कैप्टन मोहन सिंह। हेलो जीतू, जिनको क्लासेस नहीं मिलते हैं वो मेरे इस नाम से चले जाएंगे मेरे आईडी पर, मेरे आईडी पर चले जाएंगे अनअकैडमी पे, मेरे प्रोफाइल को खोज के फॉलो कर लेंगे ताकि आपको क्लासेस मिल जाएंगे। जी संजीत, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, डायर, ब्लेजली या कर्जन? गुड मॉर्निंग जीतू, हाउ आर यू? और स्टूडेंट को बता दे, हेलो प्रिया, कि जिनको भी एक्स्ट्रा क्लासेस करना है या जिनको प्लस ज्वाइन करना है तो वो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस हम कंडक्ट कर देंगे, ठीक है? और आप एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ ग्रुप के स्टूडेंट के लिए होता है, वो अनअकैडमी पे नहीं होता है। जो करना चाहते हैं, जो प्लस लेना चाहते हैं, किसी को दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे पूछ सकते हैं। हेलो अनु, हमसे पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे कैसे ऐड होना है, ठीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नेकेड फकीर कह के जाने पर या बारदौली के सत्याग्रह? बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए कोई आंसर बताइए कि नंगा साधु, नंगा फकीर या अर्धनंग फकीर, इनको किसने कहा था गांधी जी को? फटाफट आंसर करिए, किसने कहा था और कब कहा था, किसने कहा था और कब कहा था? अगर आपको आंसर पता है तो आंसर बताइए, किसने कहा था और कब कहा था, किस मौके पर कह दिया था इनको? हेलो मयंक, इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो फर्स्ट टाइम हुआ था 1917 में, ठीक है? ये एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, ये चंपारण में था। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि इनको जो नंगा फकीर, अर्ध नंग फकीर जो कहा था, वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। हेलो राजीव, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कोई बता सकते हैं किस मौके पे कहा था? एनीबॉडी कोई बता सकते हैं? अगर आंसर नहीं पता तो एन लिखा कीजिए फास्ट, ठीक है? चर्चिल ने कहा था इनको कि ये अर्ध नंग फकीर है, जब इनका राउंड टेबल, यस यूनिवर्स बॉस ने सही लिखा है, गोलमेज सम्मेलन के मौके पर, जब इनको सेकंड गोलमेज सम्मेलन के मौके पर बुलाना था 1931 में, तो उन्होंने कहा था कि आप एक अर्ध नंग फकीर को बुला रहे हैं, ठीक है? गोलमेज सम्मेलन के मौके पर, सेकंड वाले में, नॉट फर्स्ट, सेकंड वाले में 1931 में जो हुआ था, क्योंकि पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया था, और उस टाइम कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। जी अभी तो मैंने आपको कराया था वो क्वेश्चन की कौन थे वहां के पता, हर सिंह जी, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, उसको एक टैग लाइन दिया गया पहले गोलमेज सम्मेलन को, जानते क्या बोलते हैं उसको? पहले गोलमेज सम्मेलन को बोलते हैं, हेलो निशा, हाँ, बिन दुल्हे का बारात बोलते हैं उसको। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं किया गया था, ये एक IAS के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो आपको बता दें उसको बोला गया था बिन दुल्हे का बारात, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था उसमें। अगला क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो सुनिए अच्छे से, अभी आपने पूरा पूरा डीप पढ़िए उस चीज को तो आपको याद रहेगा। निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है? मुंडा विद्रोह एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान रीवा के राजा के कुंवर सिंह को अपने राज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन। बताइए सही जवाब क्या होगा? एक्चुअली क्या है, हेलो शालिनी, एक्चुअली क्या है ना कि उस टाइम में कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस ही नहीं गई थी, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन में या तो व्यस्त थे आंदोलन में या तो जेल में थे, तो कोई नहीं जा पाए थे 1930 वाले में, तो कहा गया था कि ये जो है बिन दुल्हे का बारात, संज्ञा दी गई थी, ठीक है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। अलग क्वेश्चन है इसका, दियारा भूमि के बारे में एक मिनट होल्ड कीजिए, ठीक है? सिर्फ एक मिनट होल्ड कीजिए, हाँ, एक थोड़ा सा एक मिस्टेक है, एक होल्ड कीजिए।
पहली बात तो इसका आंसर ये तीन नहीं होगा, ये डी हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है। नहीं नहीं इसलिए तो मैंने आपको बैक कर दिया ना भाई, ये डी सी नहीं है, डी सही होगा। तो हम आपको फिर से, कोई बात नहीं बुलबुल, फिर से पोल दे रहे हैं। वेट 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 वेट, थोड़ा आप लोग इंतजार कर लें। देखिए आपके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की जा रही है, हम आपके लिए ही बैक हुए ना, आपको बताया कि गलत था तुम बैक हो गए ना। चलिए आंसर कर लीजिए, पोल दिया मैंने, वो गलत पोल था इसलिए गलत आंसर था। आपके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी, ठीक है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हाल है। ठीक है, कोई किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा, सबका सबके साथ इंसाफ होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है, जरोड़ मैदान होता है या शिवालिक की पहाड़ियां हैं या उबड़ खाबड़ मैदान है या बाढ़, ये बाढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। दियारा किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग दीरा दीरा ये बोलते हैं, दीरा पे हो क्या, तो दियारा बोलते हैं एग्जैक्टली। यूट्यूब के सारे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम लोग का पर डे क्लास दिन में 10:30 बजे, दिन में 12:30 पे 2 क्लासेस होता है, ये फ्री क्लासेस है। इसके अलावा सारे क्लासेस प्लस पे आते हैं मेरे, शाम में 6 बजे ज्योग्राफी का है क्लास और रात में 8:30 बजे पॉलिटी क्लास। जो लोग प्लस पे हैं ऑलरेडी वो ये क्लास जरूर करेंगे, जो प्लस पे नहीं है वो प्लस पे आ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अच्छा इतना ज्यादा आंसर कर दिया आप लोगों ने, सॉरी सॉरी 12:15 ही है भाई, गलती से होगी, 12:15 है लिखा हुआ, ठीक है 12:15 में ही है। बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति, ठीक है, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति को दीरा बोलते हैं, दियारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन स्थापित हुआ 1949, 42, 43 या 45। बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, थोड़ा बताने का आप लोग कष्ट करेंगे। कोई बताएंगे यूएन का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई जानते हैं इसका आंसर, पूछता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, लिख लीजिए 1945 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों ने अगर कांग्रेस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, बजुद्दीन तैयब जी, सैयद अहमद खां या अबुल कलाम आजाद। आई थिंक आप लोग 100% आंसर करें इस क्वेश्चन का, आसान सा क्वेश्चन है। जिन्होंने सही आंसर किया है आप बताएंगे किस अधिवेशन में और कब बने थे, किस अधिवेशन में कब बने थे, बताइए कोई जानते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीसरा अधिवेशन था, किसना था, थर्ड था, 85, 86, 87, 1887 में मद्रास में थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थर्ड में थे, मद्रास में हुआ था अधिवेशन, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको, पहली महिला, पहली भारतीय महिला, पहले मुस्लिम, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। आपको सुमिलित करना है, बताना है, एक तरफ नगर का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उद्योग का नाम दिया गया है, अहमदाबाद तेल शोधन, राउरकेला रेल कोच, कपूरथला लौह इस्पात, बरौनी सूती वस्त्र। ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1 या 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 3, 4। सही जवाब क्या होते हैं, क्वेश्चन का आंसर करें जरूर से जरूर, और इस क्लास के बाद आपको 45 मिनट का ब्रेक मिलेगा, सब लोग खा लें पी लें, थोड़ा ब्रेक कर लें 12:15 से, फिर सब लोग हाजिर हो जाएं, हाजिर हो। ये क्या है, कोई बता सकते हैं, हाजिर हो, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है ये क्या है, हम जो लिखा है हाजिर हो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, हाजिर हो ये रैंक है या आंदोलन है, कहती आप लोगों से उम्मीद हम नहीं कर रहे थे कि आप लोग ऐसा ऐसा करेंगे। हाजिर हो एक रिट है, एक रिट है, ये रिट है, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी करती है, ये रिट है। आप लोग से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे आप लोग ऐसा आंसर भी कर सकते हैं, उर्दू है, कोई फारसी है,
कोई अंग्रेजी भी चले गए, हाजिर हो एक रिट है आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी करती है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने फिर अभी तक? इसका मतलब अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ ठीक है जी, दिखा रहा हूं भाई, एकदम दिखा रहा हूं, पहले आंसर कर लीजिए। 4321 4321 ठीक है। पॉलिटी पढ़िए अच्छे से, मेरे क्लासेस आते हैं, पॉलिटी पढ़िए अच्छे से। पायल जो है आज छक्का मार रही है, बोली हम सबसे आगे देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। पायल सिंह फर्स्ट पे, सेकंड पे रंजीत हैं, थर्ड पे अंकित हैं, फोर्थ पे वीरेंद्र हैं, फाइव पे अंकुश हैं, सिक्स पे संजीव हैं, सेवन पे यूनिवर्स बॉस हैं, एट पे अनिरुद्ध हैं, नाइन पे स्तुति हैं और टेन पे फरहीन हैं। ठीक है, गुनगुन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुनगुन, गुड मॉर्निंग नितेश, प्रिया कुमारी, लवली राज, अनिल सिंह, जो लोग हेलो गुड़िया, जो लोग यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं अभी भी, वो अनअकैडमी पे आ जाइए, यहाँ से लाइव क्लास कीजिए। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं बताइए फटाफट, 52 है, 53 है, 54 है, 40, लोकसभा की कितनी सीटें फटाफट बताइए। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य को एबोलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कौन से संशोधन के थ्रू लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य को शामिल नहीं किया जाए, वो संशोधन कौन सा है, किस संविधान संशोधन के थ्रू किया गया ऐसा बताइए। 26वां संशोधन है, 124, वाह क्या क्या आंसर आ रहे हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के थ्रू, वेरी गुड, 104 संशोधन था उसके थ्रू अभी लोकसभा में और इसमें राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। लोकसभा में दो सदस्य था और राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा एक सदस्य, दोनों को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये 126वां बिल है, ये 26वां बिल है और 104वां संशोधन है, याद रखिएगा, बिल अलग होता है, संशोधन अलग होता है। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग निवासी थे, केनिया के, नामीबिया के, यूएसए के, इंग्लैंड के, सही जवाब क्या बताइए। तो राजा पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ऐसे आंसर क्वेश्चन करने से हम आंसर क्वेश्चन कराएंगे, हम है किस लिए आप क्वेश्चन कराने के लिए। सर मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा है श्वेता, आप यहाँ एप्लीकेशन खोलिए, ऐसा करके यहाँ पे एक फोटो का नक्शा आएगा गोल टाइप का, उसको टच कीजिए, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल आएगा, एडिट प्रोफाइल में जाइए, मोबाइल नंबर लिखा होगा नीचे में, ईमेल लिखा होगा नीचे में, ऐसा यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा दोनों को। जब मोबाइल वेरीफाई कीजिएगा तो ओटीपी मोबाइल पे आएगा, इसको डाल दीजिएगा, ईमेल वेरीफाई कीजिएगा तो ओटीपी ईमेल पे आएगा, दोनों को डाल दीजिएगा, वेरीफाई होगी, आसान सा है, एकदम आसान है। इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए, ठीक है, मार्टिन लूथर के बारे में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे, एंड्रयूज, पोलक, पीटरसन या इनमें से कोई नहीं। हेलो रंजन, हाउ आर यू, सही जवाब क्या होगा बताइए, एकदम आसान है, प्ले स्टोर जाना है, वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, क्योंकि इसके बाद फिर से क्लास आएगा 12-15 में, बीपीएससी सिलेक्ट कीजिएगा, स्कोर को लगा लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पोलक, पोलक इज द राइट आंसर। हेलो प्राची, हाउ आर यू, 12-15 में फिर से ही क्लास आएगा, सब लोग बैक हो जाइएगा, ठीक है, नहीं नहीं पोलक के बारे में बोलते। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किए, क्वेश्चन कल भी हुआ था शायद, 1911, 1912, 1913, 1914, आसान सा क्वेश्चन, 100% आंसर कर दीजिएगा फटाफट, 100% लिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट, कब की गई थी। अब ये कोई नहीं बोलेगी घोषणा कब हुआ था, ट्रांसफर कब किया गया था, जॉर्ज पंचम कब आए थे, क्वीन मैरी कब आई थी, ये सब क्वेश्चन कोई नहीं कीजिएगा, आपको पता है जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है आपको, 1911 में कर दिया गया था, ठीक है। क्या 1911 ही जाता है, जब उसकी घोषणा कर दी गई थी आंसर वही जाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, चेम्सफोर्ड थे, रिपन थे या कर्जन थे। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 100% कर दिए फटाफट से। अभी का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग फिर से 12:15 मिलेंगे और अभी जो भी टॉप करेंगे उसको ट्रॉफी मिलेगा, ट्रॉफी लेके जाएंगे, जिसको वो लेके कभी जा नहीं सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड प्रिया, लवली राज, सब लोग प्ले स्टोर जाइए, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोलते हैं इसको, 1919। पायल सिंह फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे अंकित हैं, थर्ड पे संजीव हैं, फोर्थ पे रंजीत हैं, फाइव पे अंकुश हैं, सिक्स पे यूनिवर्स बॉस हैं,
सेवन पे अनिरुद्ध है, एट पे वीरेंद्र है, राजीव नाइन पे और टेन पे फरीन फातिमा है। तो पायल सिंह फर्स्ट पे है, कॉन्ग्रेचुलेशन पायल। और हर क्लास की तरह मेरी क्लास में आपको मिलेगा एक चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसका आप इस्तेमाल कभी नहीं कर पाइएगा। इस क्लास के बाद सब लोग 12-15 में फिर से हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। कोई नहीं बोलेंगे वो उर्दू लिखा हुआ है, हेलो चंद्रिका, कोई ये बात नहीं बोलेंगे कि वो उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक रीट है। इस तरह के आप लोग को जवाब सोहा नहीं देते हैं, ठीक है। आयल सिंह कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग मिलते हैं 12:15 में, ठीक है। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं स्टूडेंट, वो प्ले स्टोर जाइए, जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब याद रहेगा ना, अब याद रखिएगा, ठीक है। 11 पे है आप दामिनी, 12:15 में फिर से क्लास है, सब लोग फटाफट जाइए, नाश्ता वास्ता कर लिए, थोड़ा पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल लेके आइए क्लास में, एनर्जी रहेगी तभी क्लास इंजन चलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद धन्यवाद पायल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और इसके अलावा आज डेट कितना है कोई बताइए, देखिए मैंने लिख दिया है कुंदन, टाइम खत्म हो गया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, डोंट वरी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है, इतना पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन हम अभी कंटिन्यू क्वेश्चन ही कराएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए, आप सारे क्वेश्चन, आपका कोई हक नहीं मारा जाएगा। तो और किसी को कोई दिक्कत है, किसी को ज्वाइन करना है, प्लस को ज्वाइन करना है, तो हमको बता दीजिएगा, आपको बताएं कितना आसान सा रास्ता है जिससे आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है अगर ज्वाइन करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हमको बता दीजिएगा, हमको बताएंगे कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा और फटाफट से आप क्लासेस कर सकते हैं। मेरे क्लासेस ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं लोग 12:15 में, बाय बाय।